जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 66 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव आज। आपको बता दें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। ऐसे में 7 मतदान केंद्र पर 10,271 मतदाता करेंगे मतदान। आपको बता दें 27 नवंबर को घोषित किया जाएगा रिजल्ट। भाजपा से घनश्याम टेपन तो वहीं कांग्रेस से रोहित नवारिया और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश बिवाल ने चुनावी मैदान में ठोक रखी है ताल। ऐसे में आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, 27 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 66 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव आज होना है। आपको बता दें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान और 7 मतदान केंद्र पर 10,271 मतदाता आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और 27 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक गोयल जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, सुबह आठ से शाम 5 बजे तक मतदान होना है, ऐसे में मतदान अब शुरू हो चुका होगा, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है? देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज का वार्ड 66 है। यहाँ पर जो 2020 में भाजपा से जो चुनाव लड़े उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम यहाँ पर जारी किया और उसके तहत आज वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 66 में 7 मतदान केंद्रों पर जो है वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। ये वोटर्स हैं वार्ड 66 के जो वोट कास्ट करके आ चुके हैं, इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं क्योंकि यदि लोकतंत्र को जिंदा करना है तो वोटिंग भी जरूरी है, जनप्रतिनिधि को चुनना भी बेहद आवश्यक है। देखिए, ये मतदान केंद्र पर जहाँ खड़े हैं सबसे ज़्यादा इसी मतदान केंद्र पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर अपना वोट, जो मतदान कर्मी हैं मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं और जो प्रक्रिया है उनके वोटर आईडी चेक करने के बाद, उनके उंगली पर शाही लगाने के बाद उनको वोट कास्ट करने दिया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के वार्ड 66 में 10,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो अपना पार्षद चुनने के लिए यहाँ पर अपना वोट कास्ट यहाँ पर करेंगे। ये मतदाता हैं, ये तस्वीरें दिखाई। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार अग्रवाल। कमलेश जी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो पहले पार्षद है उनकी डेथ हो गई? अपने वार्ड में मतलब काम कर सके, स्वच्छता और अपने बिजली पानी और सफाई वगैरह का ध्यान रख सके, सीवरेज वगैरह का ध्यान रख सके, उसको ही देखते हुए अपन वोट कर रहे हैं। इसको मतलब ये चाहते लगता है सुधरे हैं हालात दो निगम होने से? पहले थोड़ा कम सुधरा है, अभी पूरी तरीके से नहीं सुधरा, लेकिन जो मिलनसार और सबसे मतलब जान पहचान रखने वाले और उन्हीं को वोट देंगे अपन। वोट देंगे। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल सेम राय है सर, जो काम करा सके हमारा, हमारी छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान दे सके, इस तरह का प्रतिनिधित्व। मैम, आप तो एक यही सवाल रहेगा और यही बात रहेगी क्योंकि अन्ना साफ सफाई भी जरूरी है और पार्षद जो भी कोई काम के लिए जाए वो काम टाइम पे कर दे, यही चाहिए। यही चाहिए मैम, आप बिल्कुल यही प्रतिनिधि होना चाहिए जो सबकी सेवा करे, सबका ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे और साफ सफाई का भी, खास तौर पर साफ सफाई। साफ सफाई, माता जी कितने साल के हुए? 46 साल। तो कितना सुधरा है नगर निगम, कितना कैसा आपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डाला आज आपने? इधर देखिए कैसे साफ सफाई होती, नहीं होती? नहीं होती। आप बताइए मैम। अभी के टाइम तो ठीक है, तो ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि मतलब कि साफ सफाई पूरा ध्यान। साफ सफाई पूरा ध्यान। ये देखिए वोटर्स हैं जो अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि मिलनसार होना चाहिए। जयपुर नगर निगम में दो नगर निगमों में बढ़ चुका है तो 250 वार्ड भी हो चुके हैं, तो जयपुर नगर निगम के दो विभाजन का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि शहर में विकास हो, साफ सफाई अच्छी हो, लेकिन स्थितियां देखिए दूसरी है अभी भी, जो क्योंकि देखिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर मेयर की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, नगर निगम हेरिटेज के अंदर पार्षद हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि कमेटियों का गठन किया जाए, तो ऐसे में जब तक ये चीज़ें पटरी पर नहीं आएंगी, आपसी जो राजनीति जो खत्म नहीं होगी, तब तक शहर का विकास होना संभव नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले जो
टकराव की स्थिति है, जो राजनीति है, उसको सबसे पहले वो खत्म होनी चाहिए। उसके बाद जनप्रतिनिधि जब आपस में टकराव नहीं रहेगा तो शायद वो अपने वार्ड पर ध्यान दे पाएगा। तो आप ये तय मानकर चलिए कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की मेयर है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता है, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस की जो नगर निगम हेरिटेज में बोर्ड है, जिस बैशाखी के सारे नगर निगम का बोर्ड चल रहा है, उन निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने 2-3 दिन से लगातार धरना दे रखा है, रात भी वहीं गुजार रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जब 2 साल पहले जब 10 नवंबर 2020 को इलेक्शन था तो हमें एक वादा किया गया था कि कमेटियों का चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन उनको केवल और केवल आश्वासनों की पोटली मिल रही है, तो ऐसे में उनको छठी बार धरना यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें आज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि राजस्थान के जहाँ रिक्त पद हैं वहाँ उप सरपंच, सरपंच, प्रतिनिधि के साथ में कह सकते हैं कि जो वार्ड हैं, जो निकायों के अंदर वार्ड रिक्त हैं, वहाँ पर आज इलेक्शन हो रहा है और आज शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और 5 बजे वोटिंग होने के बाद सभी मतपेटी जो कह सकते हैं कि ईवीएम है उनको सील कर दिया जाएगा और सील करने के बाद उनको स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के बाद 27 तारीख का वो दिन होगा जब इन कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में जिन्होंने ताल ठोक रखी है उनके भाग्य का फैसला होगा। लेकिन आज भाग्य विधाता मतदाता है और मतदाता अपने कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए एक लंबी यहाँ पर कतारों में लगा हुआ है और यही तस्वीरें राजस्थान के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से निकल रही है। तो ऐसी तस्वीरें जरूरी भी है क्योंकि देखिए 8 बजने के साथ ही लोग चूल्हा चाकी महिलाएं छोड़कर आई हैं, इसके साथ में जो लोग अपने काम पर जाते हैं उन्होंने सबसे पहले इस लोकतंत्र के उत्सव के अंदर अपनी भागीदारी निभाई है, इस लोकतंत्र के उत्सव में अपने इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दी है, तो वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकतंत्र मजबूती इसलिए है कि उनकी जो भागीदारी वो बेहद जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें जयपुर नगर निगम हेरिटेज की है, वार्ड 66 की है, वार्ड 66 में आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे बाद ईवीएम को पैक करके 27 सितंबर का वो दिन होगा जब यहाँ पर भाग्य का पिटारा है वो खुलेगा। कुल 10,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, 3 कैंडिडेट हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रखी है। किसके सर पर जीत का सहरा बनता है ये 27 तारीख को तय हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि वोटिंग करने के लिए जो मतदाता हैं इस वार्ड के वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, अलग अलग स्कूल्स में सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं और सभी को चेकिंग के बाद उनके वोटर आईडी चेक करने के बाद जो पहचान पत्र है उनको चेक करने के बाद शाही लगाकर उनको वोटिंग का अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है और वो सभी मतदाता अपना प्रत्याशी जो अपना उनको जिनको प्रतिनिधि चुनना है उसके नाम के आगे ईवीएम का बटन दबाकर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी यही है कि हमारा जो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो वार्ड का विकास कर सके, वार्ड की सूरत है वो बदल सके, लेकिन वादे और में कितना दम होता है ये तो तस्वीरें आप 2 साल में देख पा रहे हैं कि जयपुर नगर निगम और ग्रेटर में किस तरह की तस्वीरें हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, आवारा पशुओं का जमावड़ा है, स्वान है, स्वानों का आतंक है। तो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को खूबसूरती से ज़्यादा यहाँ पर गंदगी के ढेर लगते हैं, बहता हुआ सीवरेज का पानी यहाँ पर नजर आता है। यदि जनप्रतिनिधि जिस तरीके से वादे करे और उन वादों पर यदि खरा उतरे तो शायद इस पिंक सिटी जिसे खूबसूरती की सिटी कहा जाता है, इसे जिसे कहा जाता है कि पिंक सिटी है वो डर्टी सिटी अब बनती जा रही है। तो ऐसे में इन जनप्रतिनिधि जो कि अपने वोटर्स के बीच में जब जाते हैं, जो वादा करते हैं और यदि उन वादों पर यदि वो खरा उतरेंगे तो शायद इस जयपुर पिंक सिटी की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इस क्योंकि जयपुर को 295 साल यहाँ पर हो चुके हैं, तो ऐसे में इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, साथ में उन हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है जो कि जयपुर शहरी सरकार के अंदर बैठकर यहाँ पर जो जितने उनको जिस तरह से बैठाया जाता है तो यदि वो उतना फील्ड में होकर काम करे तो शायद तस्वीर बदलती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी जरूरी यह है कि वोटिंग है, वो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। पवन लगातार हमारे कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि 7 मतदान केंद्र हैं और 7 मतदान केंद्रों में जो मतदाता हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और 3 प्रत्याशी जैसा मैं बता रहा था, भाजपा से घनश्याम टेपन, कांग्रेस से रोहित नवारिया और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश विवाल चुनावी मैदान में हैं। 10,271 मतदाता हैं, वो शाम 5 बजे तक है वो वोटिंग करेंगे। वोट कर दिया आपने? कर दिया। कैसा प्रतिनिधि चाहिए सर? अपना काम करने वाला चाहिए। काम करना है। काम हुआ पहले? हाँ, 2 साल में। नहीं अभी तो नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ कुछ भी। वोट कास्ट कर दिया? हाँ, खत्म हो गए थे ना पार्षद साहब, तो काम हुआ ही नहीं हमारा। काम नहीं हुआ। ये देखिए वो मतदाता हैं। सर आपने वोट कास्ट किया?
वोट कास्ट करने के बाद उनका कहना है कि वोट कास्ट किया है और जो काम करने वाला जो प्रतिनिधि है उन्होंने उसके पक्ष में वोट डाला है, लेकिन जो प्रतिनिधि जिसके पक्ष में उन्होंने वोट डाला है और जैसा जनप्रति जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई थी और टिकट वितरण हुआ नॉमिनेशन के बाद, सभी जो प्रत्याशी है उन्होंने मतदाता की चौखट तक पहुँचने का काम किया, पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी गई। कुछ जो यहाँ के MLAs हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में है प्रचार प्रसार किया, लेकिन प्रचार प्रसार करने के साथ में जनता है वो किसे अपना जनाधार देती है, किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये 27 जो तारीख है उसको पूरा तय हो पाएगा कि जयपुर नगर निगम के वार्ड 66 में, जिसमें भाजपा से महेश मोयल पहले 2020 का उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2000 उनकी डेथ होने के बाद में वो चुनाव आगे। मैम वोट कास्ट किया आपने? बिल्कुल। तो क्या लगता है आप तो मैम कि कितना बदलाव आया है नगर निगम में और कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं मैम? जो आगे थोड़ा सा काम कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी की कोई और रोड पे है, साफ सफाई का इनका सोल्यूशन निकल सके बस। तो जब 2020 में भी इलेक्शन किया था आपने, वो वोट किया था? बिल्कुल किया था। तो वो जनप्रतिनिधि खड़े उतरे इतना लगा? हाँ थोड़ा बहुत। तो साफ सफाई से मैडम संतुष्ट हैं आप जयपुर की? थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है जी। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर कितना कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं सर? जो कि काम कर सके, सफाई रख सके चारों तरफ और जो भी पब्लिक के प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। जयपुर में कितने साल से रह रहे हैं सर आप? बर्थ ही जयपुर का है। कितना बदलाव देखते हैं दो निगम होने से, बदलाव आया है? बिल्कुल सर, बदलाव तो आया है, लेकिन जो बदलाव अभी तक चाहते हैं वो नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाया है। देखिए सभी की प्रतिक्रिया है, जो बदलाव चाहते हैं दो निगम होने के बाद में वो बदलाव नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है थोड़ा सुधार जरूर है। जी जी बिल्कुल दीपक, सुबह सुबह काफी जोश यहाँ पर मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सब सुबह सुबह वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए।